हाजीपुर में लगातार दूसरे दिन भी चार स्थानों पर चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। नगर के कॉलेज रोड पर राजेंद्र राठौर के मकान पर चोरों ने चैनल गेट तोड़कर यहां रहने वाले रजिस्ट्रार इंदुमती इक्का के घर से चोरी की। यहां से चोर एक LCD टीवी सहित हजारों रुपए लेकर उड़ गए। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य भोपाल गए हुए थे। चोरों ने खाली मकान देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इसके पास सुरेश प्रजापति की कंप्यूटर की दुकान के भी ताले तोड़े गए, पर यहां से चोर कुछ लेकर नहीं जा पाए। वहीं चोरों ने इसी मकान के सामने वाली गली में गिरिराज दांगी के मकान में भी खिड़की तोड़कर चोरी की। चोर यहां से एक LCD टीवी और नकदी के 28,500 रुपए ले गए। इस दौरान परिवारजन कोटा गए हुए थे। वहीं चोरों ने गायत्री कॉलोनी में रहने वाले नगर सैनिक के यहाँ भी चोरी करते हुए नकदी ले उड़े। चोरी की जानकारी मिलते ही TI गोपाल निगवाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का अवलोकन करते हुए आसपास के CCTV फुटेज देखे। सर, खिलचीपुर में आज चोरी की वारदात हुई है, सर कहाँ कहाँ पे हुई? ये रात्रि की बात है, छापीहड़ा रोड पे इंद्रमणि इक्का मैडम में रजिस्ट्रार है खिलचीपुर, उनके यहाँ पे करीब 6,000 की चोरी हुई है। उसी के पास में जो सामने है उनका नाम है गिरिराज दागी और तीसरे जो है एक अपने पुलिस विभाग में सैनिक है मेहरबान जी, इनके वहाँ करीब 16,000 या 17,000 रुपये की राशि गई है नकदी, और जो गिरिराज दांगी है उनके वहाँ पे भी 28,000 की नकदी गई है, LCD गई। उसकी सूचना प्राप्त होने पर पूरा फोर्स गया है और वर्तमान में भी मेरी टीम लगी हुई है, CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। जैसे भी उसमें क्लू मिलता है उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वगैरह को सूचना नहीं दी गई? जी, कंट्रोल रूम को नोट करा दिया गया था, वो भी जैसे भी आएंगे कार्रवाई की जाएगी।